हेलो एवरीवन, के आर सुनो का स्वागत है। और आज बना रहे हैं हम मीठी कचौरी मावे वाली। ये लिया है मैंने 200 ग्राम मावा जो मेरा घर का बना हुआ है, और ये लिया है 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम आटा। दोनों चीज़ मिला ली है मैंने इसमें। इसका आटा गूंदा जाएगा मौन डाल के। और ये दो कड़छी ली है चीनी, ये वाली चाशनी बनाने के लिए। 50 ग्राम लिए है मैंने काजू, 40 ग्राम बादाम है और 40 ग्राम किशमिश है, और ये आधी चम्मच के करीब इलायची पाउडर है। सबसे पहले हम इसमें मिला के मौन डालेंगे, और ड्राई फ्रूट्स को सबको मैं कट कर लूंगी। ये देखिए, ये घी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और अब इसको थोड़ा गुनगुने पानी से मैं गूंद कर 20-25 मिनट के लिए रख दूंगी। ये मौन मिला लेते हैं, कड़क हो गया है थोड़ा सा। घी गरम किया था, इसको घी को अच्छे से मिला लेते हैं मैदा में ऐसे करके। पानी मैंने गुनगुना कर लिया है, और मौन देखिए, ये पहचान है। ये मुट्ठी हमारी ऐसे बन जानी चाहिए, मौन ऐसे डालते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। इसको ना ज्यादा टाइट गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा नरम करना है, नॉर्मल सा आटा गूंदेंगे हम इसको, थोड़ा थोड़ा करके लोच लगा लगा के। और फिर इसको 15 से 20 मिनट हम रख देंगे। ये आटा हमारा गूंद गया है, और देखिए ना ज्यादा टाइट है ये और ना ज़्यादा लूज है। अब इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख देंगे, घी लगा के थोड़ा सा, ऐसे घी लगा के इसको ढककर रख देंगे। और इधर मैं चढ़ा लेती हूँ मावा। मावा भूनने के लिए गैस पर चढ़ाती हूँ। ये एक कटोरी पानी में ये दो बड़ी कड़छी चीनी ली थी उसमें डाल देती हूँ। इसकी बनाएंगे चाशनी। जो भरने के लिए मसाला बनाएंगे उसके लिए लिया है मैंने ये इतना सा शक्कर का बूरा। और मावा भून रही हूँ मैं अभी। जब मावा भून जाएगा तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये शक्कर का बूरा, इलायची वगैरह सब डाल देंगे। ये देखिए, मावा भून गया है और घी छोड़ दिया है इसने। अब इसमें डाल दूंगी ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये काजू और बादाम को डाल दिया है। 2 मिनट धीमी आंच पर इसको भी भूनेंगे हम। अब डाल देती हूँ किशमिश और ये इलायची पाउडर। खूब अच्छे से इनको मिला लेंगे, और गैस बंद करके शक्कर का बूरा डाल देंगे इसमें, नहीं तो पानी छोड़ देगी वो। गैस को कर दिया है बंद मैंने, और ये शक्कर का बूरा डाल दिया है। हल्का मीठा ही रखेंगे इसमें, बहुत तेज मीठा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बाद में चाशनी में या तो आप अंदर डाल के खा लो फोड़ के, दोनों तरह से खाई जाती हैं, या फिर कचौरी के ऊपर का चाशनी चढ़ा देते हैं, दोनों तरह से खाते हैं इसको। ये देखिए, हमारा कचौरी के अंदर भरने वाला मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है ये। और मावे ने घी काफी छोड़ दिया था, अब इसको थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये चाशनी मैं गर्म करने चढ़ा देती हूँ, उबलने चढ़ा देती हूँ इसको। जब एक तार की चाशनी बन जाएगी ये, तो मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। और अभी थोड़ा आटा और थोड़ी देर हमको रखना है। जब 15-20 मिनट हो जाएंगे तब हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे, और एक साइड में चढ़ा देंगे घी कढ़ाई के अंदर। मीठी कचौरी घी में ही बनाते हैं। ये घी गरम हो रहा है हमारा अभी, और इधर चाशनी बन रही है। और ये मैंने लोई एक बाउल में तोड़ के रख लिया, थोड़ा आटा अलग रख दिया है।
ये जो मावे का था ये इसमें मैं भर दूंगी। ये ध्यान रहे भाग ना निकले हमारा, और इसको यूं करके ऐसे, और बहुत धीमी आंच में पकेंगी ये कचौरी, कभी भी तेज आंच में नहीं पकती है। इसको गोल कर लेंगे। ये मुंह इनके बंद कर दिए हैं, ये इसको बस सिर्फ हाथ से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दो हथेली से ऐसे। तीन तीन डाल दिए हैं इसके अंदर, कढ़ाई में ही उतारूंगी मैं, लेकिन ये देख लें कि कहीं से आपकी कचौरी का वो फटा हुआ तो नहीं है, मसाला तो बाहर नहीं आ रहा है, ये चेक कर लेना जरूरी है। देखिए कचौरी हमारी फूल रही है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक के उसको उतार लेंगे, और चाशनी भी हमारी बनने आई है, चेक कर लेते हैं एक बार। इनको बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सेक लेंगे, और एक चुटकी इसमें इलायची पाउडर डाल दिया चाशनी में, और चाशनी को मैंने कर दिया है बंद। ये हमारी कचौरी बनकर हो गई है तैयार, देखिए कितनी अच्छी सिकी है ये, और आपका मन करे तो इसको फोड़ के इसमें चाशनी डाल के खाएं, इसको फोड़ के चाशनी डाल के खाएं, या फिर चाशनी में इसको लपेट के उठा उठा के रख दें। ये कचौरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार, और इधर ये चाशनी है, चाहे तो इसको फोड़ के इसके अंदर डाल के खाएं चाशनी को, या फिर इसको चाशनी में लपेट लें और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद खाएं। और मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ उतर गई हैं, कुछ उतर रही उतरनी बाकी हैं अभी, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये बताया है। अभी बच्चे आएंगे तो उनको जैसे पसंद होगा वैसे खाएंगे, चाहे तो लपेटेंगे इस चाशनी के अंदर, या फिर इसके अंदर भर के खाएंगे, जैसे उनके पसंद, दोनों तरह से खाई जा सकती है ये। और ये है बीकानेर जोधपुर साइड की डिश है, ये बहुत बनती है हमारे यहाँ भी। बीकानेर दुकान थी, बहुत कचौरियाँ मिलती थी मावे की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो ये उधर की डिश है ये राजस्थान की। ये जो छोटी कचौरियाँ हैं इनको देखो मैं चाशनी में लपेट के और निकाल दूंगी ऐसे ही, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। गरम है चाशनी बहुत अभी, चम्मच से करती हूँ मैं। बाकी कचौरियाँ मैंने प्लेन छोड़ दी हैं, सिर्फ चार कचौरी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ अभी। ये देखिए आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे भी पसंद हो वैसे खाएं। इन कचौरियों में मैंने फोड़ कर भी चाशनी भरी थी, वो भी चार ही करी थी, ज़्यादा मैंने नहीं भरी थी, बाकी ऐसे ही खाई थी। हर तरह से टेस्टी लगी ये, और मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।